वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने वजीराबाद से एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ही तीन मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है और अभी पेशरफ्त हुई है, एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर बताइएगा किस तरह से अमल में लाई गई है गिरफ्तारी। आज बिल्कुल पीटीए के कंटेनर पर हमले की तफ्तीश में मजीद पेश रफ्त जो है वो सामने आई है। जरा के मुताबिक पुलिस ने वजीराबाद से एक और मुलजम को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वाले शख्स जो है वो हमलावर का करीबी अजीज जो है वो बताया जाता है। हमलावर नवीद ने हमले से कबल मोटरसाइकिल शख्स की दुकान पर जो है वो खड़ी की थी। हमलावर नवीद मोटरसाइकिल के जरिए गिरफ्तार शख्स की दुकान तक जो है वो पहुंचा था। हमलावर ने दुकान पर मोटरसाइकिल को खड़ा करके पैदल लॉन्ग मार्च तक जो है वो वहां पर पहुंचा था। रैली में पहुंचने के बाद जो है इमरान खान के कंटेनर को देखते ही जो मुलजम नवीद ने जो है उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गिरफ्तार शख्स से जो है वो तफ्तीश का अमल भी जारी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले केस में जेर हिरासत जो मुलजमान है इनकी तादाद जो है वो चार हो गई है। जबकि दूसरी तरफ वाकया के 42 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल जो है वो वाकया का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। मुलजम इमरान खान पर कातिलाना हमले करने का जो है इतराफ ही कर चुका है। पुलिस रूल के मुताबिक मुलजम को पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना लाजमी होता है, लेकिन जो तखीर की सूरत में इसका फायदा जो है वो मुलजमान और उसके जो है वो दीगर साथियों को होगा। मरकजी मुलजम नवीद समेत सीटी के पास अब जो है वो चार मुलजमान हैं जो जेरे हिरासत हैं, जिनसे जो है वो पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने तफसीलात से आगाह किया।